പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ലോക്സഭാ അംഗമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വാരണാസിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജയം. ഏതാണ്ട് 1.5 ലക്ഷം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വാരണാസിയിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചത്. 3ാം തവണയാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ലോക്സഭാ അംഗമായി അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. श्री कोडिकुनिल सुरेश, श्री टी आर बालू, श्री राधा मोहन सिंह, मैं राधा मोहन सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मैं फग्गन सिंह कुलस्ते जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री सुदीप बंदोपाध्याय, कैबिनेट मिनिस्टर्स श्री राजनाथ सिंह, मैं राजनाथ सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
राजनाथ सिंह लोकसभा अंगमाई सत्य प्रतिज्ञ ചെയ്യുന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ ഇത് രണ്ടാം മുഴമാണ് ശ്രീ അമിത് ഷാ मैं अमित अनिल चंद्र शाह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। आभ्यंतर सहकरण मंत्रालय चुमतल अमित शाह